हेलो व्यूअर्स, दोस्तों आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्लांट्स आप देख रहे हैं, इसको हम जेट प्लांट बोलते हैं, इसको हम क्रूशला भी बोलते हैं और इसको हम जो है ना एक लकी प्लांट भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम सभी लोग बताते हैं कि सर्दियों में क्या करना चाहिए। आज हम दोस्तों आपको ये बताते हैं कि ये क्रूशला का प्लांट है, ये जेट प्लांट है, इसमें क्या नहीं करना है। पहला पॉइंट हम लेते हैं दोस्तों, इसमें हमारे जो ये प्लांट है क्रूशला का, इसमें क्या नहीं करना है। दोस्तों ये जो प्लांट है, ये देखिए, ये हमारा इसकी जो लीव्स देख रहे हैं, हार्ट शेप लीव्स होती हैं, सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है और इस समय टेम्परेचर जो है ना करीब 8 से लेके और लास्ट में जो है ना 23-24 पहुँच रहा है। तो इस केसेस में जो है ना हम अपने क्रूशला को सर्दियों में कैसे बचाएंगे, तो उसी सिलसिले में मैंने आप एक वीडियो बनाया। हमारे कमेंट्स में आया था कि हमें एक इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, हमारा क्रूशला जो है ना सर्दियों में मर जाता है, हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमें करना ये चाहिए कि हमारा ये जो क्रूशला का प्लांट है, इस प्लांट में जो है ना, पहली बात तो ये है कि हमें इसकी गुड़ाई नहीं करनी है। आप लोग कुछ पॉइंट्स जो है ना चाहे कलम ले लीजिए, देख लीजिए। पहला इसमें पॉइंट्स है कि हमें इस प्लांट को गुड़ाई नहीं करनी है। गुड़ाई करने से ये होगा कि इसकी जो है ना नीचे का जो है ना, अगर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा इसमें है तो इसमें नीचे रूट्स रोट हो जाएंगे, फंगस लग जाएगा और ये आपका पौधा ओवर वाटरिंग से सड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट इसका जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें खाद नहीं डालनी है, क्योंकि ये जो पौधा है ये थोड़ा डार्मेशी में रहता है। इस पौधे में अभी खाना बनाने का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है और ये जो है ना केवल सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, इसीलिए अगर इसमें हम खाद की मात्रा डालेंगे और खाना ये बनाने का काम नहीं करेगा तो हमारा प्लांट भी रूट रोट होके सड़ जाएगा, मर जाएगा और कोमा में चला जाएगा। दोस्तों इसका थर्ड पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें, इसकी जो इस समय ग्रोथ है ना वो काफ़ी स्लो होती है और स्लो ग्रोथ होने की वजह से इसका जो है ना कटिंग है ना, जो प्रूनिंग है वो नहीं करनी है। इसको किसी भी तरह की कोई प्रूनिंग हमें नहीं करनी है। अगर हम प्रूनिंग करते हैं तो दोस्तों इसमें जो है ना खाना बनाने की प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है, तब भी हमारा प्लांट में जो है ना रूट रोट होके मर सकता है। इसका दोस्तों मैं लास्ट पॉइंट जो है ना आपको बताना चाह रहा हूँ। आप शायद देख पा रहे होंगे, ये हमारे प्लांट को देखो, ये कितना खूबसूरत चल रहा है। इसकी पत्तियाँ देखिए, आज 25 दिसंबर हो गई, क्रिसमस डे, उस क्रिसमस डे में भी दोस्तों हमारा प्लांट की साइनिंग आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत, कितनी अच्छी साइनिंग ली है। इसका रीज़न यही है दोस्तों कि इसमें हमें ओवर वाटरिंग करनी नहीं है। और इसका जो लास्ट महत्वपूर्ण ट्रिक है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि इसमें जो है ना हमें पूरे पूरे 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम जितना धूप दे सकते हैं इस प्लांट को, उतना मैक्सिमम धूप मिलनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि ये शेडेड प्लांट शेड में रहता है और इसको धूप में नहीं डालना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको मैक्सिमम आप जितनी धूप दे सकते हैं आप उसको उतनी धूप इसमें दे सकते हैं। इसकी देखिए पत्तियाँ कितनी शाइनिंग लिए हैं, कितना बढ़िया ये चल रहा है। इसका यही रीज़न है कि इसमें जो है ना हमें जो है ना प्रॉपर पानी की व्यवस्था जो है ना सिर्फ तभी डालना है जब ऊपर की हमारी टॉप लेयर्स जो है ना 1 से 2 इंच बिल्कुल बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। अदरवाइज दोस्तों इसमें किसी भी तरह का कोई भी इसमें पानी नहीं डालना है। जब आप देखेंगे कि हमारे ऊपर की टॉप लेयर काफ़ी ड्राई हो गई है तो हम इसमें पानी डालेंगे, अदरवाइज इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था हमारे जेट प्लांट के ऊपर कि हमको इसको सर्दियों में कैसे बचाएं। मेरे पास करीब 25 प्लांट्स इसके हैं और आप देख रहे हैं सभी के सभी कितना ग्रो, कितना अच्छे से ये चल रहा है। उसका रीज़न यही है कि इसको जो है ना हम पानी की मात्रा कम देते हैं, इसमें जो है ना हमारी धूप जो है ना प्रॉपर मिलती है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बताना चाह रहा हूँ, जो टिप्स है दोस्तों, इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर जो कोहरा है हमारा वो ना पड़े। कोहरे से होता ये है कि इसकी पत्तियाँ जो है ना कुछ केमिकल्स होते हैं कोहरे में, तो वो उसकी पत्तियाँ को झुलसा देता है और हमारा जो प्लांट जो है ना मर जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने आपको बताए थे अपने जेट प्लांट के ऊपर कि हमें क्या नहीं करना है।
ज्यादातर लोग बताते हैं कि प्लांट में ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। हमने दोस्तों आपको एक 5 पॉइंट ऐसे बताए हैं कि हमारे जेड प्लांट में ये नहीं करना। अगर आपने इस तरह के 5 पॉइंट्स जो है ना मान लिए, देख लिए और अप्लाई कर लिया, तो कोई वजह नहीं है कि ये प्यारा सा प्लांट हमारा, देखिए जेड प्लांट है, इसको हम लकी प्लांट्स भी बोलते हैं, बहुत लकी इसको माना जाता है। लकी मानने का रीज़न ये है दोस्तों कि इसमें जो है ना हमारा जो विष्णु का वास होता है, इसमें जो है ना हमारे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, इसमें दोस्तों जो है ना ये हमें ऑक्सीजन रिलीज 24 घंटे करता है, तो वास्तु सोच से भी ये काफ़ी हमारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो इसके अंदर होते हैं, इसी वजह से दोस्तों इसको लकी बहुत प्लांट मानते हैं। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था हमारे यहाँ जेड प्लांट के ऊपर। दोस्तों आप देखिए इसको, देखने के बाद बताइए हमें आपको ये कैसा लगा। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारा चैनल सम्यक टेरेस गार्डन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिए। दोस्तों सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेट होते हैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज है 25 दिसंबर, सबको हैप्पी क्रिसमस और आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। नमस्कार।